नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मोगा किले के रोड़े गांव स्थित रोड़ेवाला गुरुद्वारा से उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद से ही पंजाब के कई जिलों में हाई अलर्ट है। पंजाब पुलिस ने टूट करके लोगों से शांति बनाए रखने के लिए और अफवाह न फैलाने की अपील की है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह एक महीने से भी अधिक समय से पंजाब पुलिस के सीए से दर्द बन गया था। पंजाब पुलिस के साथ साथ खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का लुका छुपी का खेल आखिरकार अब खत्म हो गया है। पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को एक गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को मोगा जिले के रोड़ेवाला गुरुद्वारा स्थित से जो है वहां से गिरफ्तार किया है। अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने अमृतसर से ले गई है। अमृतपाल समर्थक की गिरफ्तारी के बाद से ही अजनवाला में थाने पर हुए हमले के बाद से ही कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी घटना से सबक लेते हुए पंजाब पुलिस हाई मोड पर थी, जिसके बाद आज पूरी तरीके से एहतियात भी बरत रही है। पंजाब के कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब के नामक संगठन के प्रमुख घोड़े अमृतपाल को गिरफ्तार करने के बाद जानकारी जो है पंजाब पुलिस ने ट्वीट करके दी है। पंजाब पुलिस ने इस ट्वीट में लोगों से शांति और जो है सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। पंजाब पुलिस ने इस ट्वीट के साथ ही साथ ये भी अपील की है कि कोई भी फेक सूचना जो है उसको वायरल ना किया जाए, उसको शेयर ना किया जाए, हमेशा सूचना की पुष्टि करने के बाद ही इसे साझा किया जाए। अजनाला में बता दे पुलिस ने बरिंदर सिंह के अगवा पर मारपीट करने के मामले में भी वारिस पंजाब दे संगठन से जुड़े लवप्रीत तूफान को हिरासत में लिया था। लवप्रीत तूफान को हिरासत में लिए जाने के बाद से ही 23 फरवरी को संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने हाथों में तलवार और इसी के साथ में आपको बता दें लाठी डंडों के जरिए हजारों समर्थकों के साथ थाने पर हमला बोल दिया था। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अजनाला पुलिस की लवप्रीत तूफान को रिहा करना पड़ गया था, जिसकी वजह से इस घटना के बाद से ही पंजाब पुलिस और पंजाब की सरकार खूब किरकिरी हुई थी। पंजाब पुलिस ने इस घटना को लेकर के केस दर्ज कर लिया था और तभी से लेकर के लगातार जो है अमृतपाल फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी की लगातार मांग भी उठ रही थी। आज आपको बता दें जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, इसी के साथ ही साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब पुलिस के बचाव को करते हुए ये कहा था कि थाने पर हमला करने वाले हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब लेकर गए थे और पुलिस ने ये काम अच्छा किया है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से पंजाब पुलिस पिछले 30 दिनों से अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, 12 राज्यों के साथ साथ आपको बता दें नेपाल तक का अमृतपाल को ढूंढा जा रहा था, लेकिन कई दिनों की जिस तरीके से पैनी नजर के साथ पुलिस ने आज अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।